नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं घन तथा घनमूल। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले एक से लेकर 10 तक की संख्याओं के घन याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इनमें एक विशेष बात है, एक के घन में एक आ रहा है। ठीक है, दो का घन कितना होता है? 8। तो ध्यान रखिएगा, इकाई पे हमें क्या मिल रहा है? दो के घन के लिए 8। सभी के घन के लिए इकाई के अंक डिफरेंट डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। तीन के घन के लिए हमें क्या मिल रहा है? 27। मतलब इकाई का अंक क्या हो रहा है? 7। ये मैं एक विशेष कारण के लिए आपको याद करने का कह रहा हूँ। 4 का घन जो देखते हैं हम, मतलब 4 का घन यदि हम देखें तो 4 का घन हमें क्या मिल रहा है? 64। मतलब इकाई का अंक क्या आ रहा है? 4। 5 का घन हम देखते हैं तो कितना आ रहा है? 125। मतलब इकाई का अंक क्या आ रहा है? 5 के घन में 5। ठीक है, 4 में 4 आ रहा है, 5 में 5 आ रहा है, 3 में चेंज हुआ था 7 आ रहा है। ठीक है, तो देखो 7 में चेंज होकर कितना जाएगा? 3 आ जाएगा, 343 7 का। ऐसे ही 2 के घन के लिए आया था 8, तो 8 के घन के लिए आया है 512 इकाई पे 2। ठीक है, 6 के घन के लिए हमारे पास आ रहा है 6, 216 इकाई पे 6 आ रहा है। फिर 9 के घन की बात हम करते हैं तो 729 इकाई पे 9 आ रहा है। और 10 के लिए 0, मतलब 0 के लिए इकाई पे 0 आ रहा है, 10 का घन 1000। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन घनमूल के क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे। घनमूल के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक आध क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, बहुत ईजी पोर्शन है ये और छोटा पोर्शन है, तो आप हम लेते हैं अब क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे उन्हें। ठीक है, हमने क्वेश्चन लिया है करणी की घात 3, मतलब घनमूल। ये करणी की घात 3 बताता है कि ये जो पूरी संख्या है ये किस तरीके से लिखी हुई है। ऐसी 7 4 0 8 8 की घात है 1/3। ठीक है, मतलब अंदर यदि 3 के जोड़े बनेंगे तो ही वो बाहर होगा, क्योंकि उस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसे यूँ यदि हम सॉल्व करते हैं तो गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो बहुत लेंथी हो जाता है जो हमने 7th-8th में सीखा। अब हम इसको उससे ना सॉल्व करते हुए यदि डायरेक्ट सॉल्व करें ना सीखें बहुत फास्ट, तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3-3 के जोड़े बनाएंगे। जैसे हमारे पास 0 8 8, ये अंतिम 3 संख्याएं हो गई और प्रारंभिक 3 संख्याएं नहीं और 2 संख्याएं हैं हमारे पास, तो हम इधर 0 लेके इसे 3 कर सकते हैं सपोज। ठीक है, अब मैंने वहाँ पे आपको बताया था जब हमने घन याद किए थे तब कि हमें इकाई का अंक विशेष ध्यान रखना है, तो हम 3-3 के जोड़े बनाएंगे, इकाई के अंक से निर्धारित करेंगे। ये किसके किसकी इकाई पे आ रहा था? 2 के लिए आ रहा था, 2 × 4 × 8, तो हमारे पास इसका मान निकलेगा 2। और इससे हम निर्धारित करेंगे इस पूरी संख्या से ये किसके निकटतम घन संख्या है। देखो इसके निकटतम घन संख्या आती 64, यदि मैं इसके निकटतम घन संख्या है 64, या फिर मैं लेता हूँ तो 125। 64 किसका घन है? 4 का, तो हमारे पास बनेगा 42। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों? 42। इस तरीके से बहुत आसानी से हम घनमूल के सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लेते हैं पॉइंट का। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, तो उसके लिए एक, फिर जितने भी अंक उतने 0 नीचे लगा देंगे, 3 3 6। ठीक है, यहाँ से हमारे पास कितना, देखो 10 यहाँ से, 10 यहाँ से, मतलब बटे में 100 बाहर आ जाएगा। ठीक, और यहाँ से 27 का घनमूल हमें पता है, 27 किसका घन है? 3 का, तो घनमूल कितना आएगा इसका? 3। ठीक है, अब हम इसको यदि 100 से भाग करेंगे तो 0.03 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इतनी आसानी से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसके कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमने लिया है 10-29 को, मतलब 1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि यह पूर्ण घन संख्या बन जाए। इसके लिए हमें गुणनखंड करना जरूरी है। तो 10-29 हमने लिया, 3 से देखो 1 और 2 3, 3 और 9 12, 12 3 के पहाड़े में आता है इसलिए हम 3 से करेंगे, 3 3 9 बचा 1 12, तो 3 4 12, 3 3 9। अब ये 3 से नहीं जाता है तो हम 7 से करेंगे, 7 से 7 4 28, 7 9 63, फिर 7 से यदि करें तो 7 7 49, फिर 7 से हम करते हैं तो 7 1 7। अब यहाँ पे हमारे पास 7 तो 3 बार आ गया पर 9 3 3 बार नहीं आया है, तो यदि मैं इसमें 3 × 3 और कर देता हूँ, मतलब 9 का गुणा कर देता हूँ, तो जो संख्या मिलेगी वो पूर्ण घन संख्या होगी। मतलब इसका आंसर क्या आएगा कि 10-29 को किस छोटी से छोटी संख्या से? 9 से गुणा किया जाएगा तो ये पूर्ण घन संख्या बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने एक क्वेश्चन लिया है 3600 को, मतलब 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें कि यह पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, तो किससे भाग करना है, तो उसके लिए हम देख लेंगे फिर से वही वाला काम, 3600 का हम अभाज्य गुणनखंड विधि से
गुणनखंड कर देंगे। देखो 2 से जाएगा 18, दूना 36, फिर 2 से, फिर 2 से 450, फिर 2 से यदि हम करें तो हमें मिलेगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, मतलब हमें मिला 225। अब 225 के लिए हम सॉल्व करते हैं, 3 से 3 सात तो 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से 25 बार, फिर अब 3 से नहीं जाएगा 5 से, फिर 5 से एक बार, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास 2-2 का एक जोड़ा कंप्लीट है, पर 2-2 के मतलब 3 बार 2 आ रहा है, पर एक बार 2 फ्री है, और यहाँ पे तो 3 का जोड़ा भी नहीं बन पा रहा है, 3 बार 3 भी नहीं आ पा रहा है, और 3 बार 5 भी नहीं आ पा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों और इसका गुणा करके देख लेंगे, जिस जो संख्या में मिलेगी उससे भाग करने पे हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण घन संख्या होगी। तो देखो 25 का 2 में गुणा करूँ तो 25 दूना 50, और उस 50 का 3 तिया 9, मतलब 9 में गुणा करता हूँ 50 का, तो 50 का 9 में गुणा यदि करता हूँ तो 50 नमक की, या 50 का 0 लगा दिया, 5 बचा, 5 नमक की 45, मतलब 450 ऐसी संख्या है जिससे संख्या को भाग देने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है कि एक घनाकार बॉक्स का आयतन दिया हुआ है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। तो देखो आयतन का सूत्र होता है भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा, बॉक्स के लिए घनाकार है तो घनाकार के लिए आयतन का सूत्र है भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा, मतलब क्यूब वाला क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे भुजा की लंबाई जो निकलेगी वो करणी की घात 3, और जो हमें आयतन दे रखा है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, दशमलव के कारण दशमलव लगाएंगे, पर 4 कब आता है, देखो 4 आता है 4 × 16 × 64, मतलब निर्धारित हो गया कि पहला अंक इन 3 अंकों से निर्धारित हो गया कि पहला अंक 4 आएगा, दशमलव लगा दी। फिर 13 की बात है तो 13 किसके निकटतम, 8, 13 के निकटतम घन संख्या 8, तो 8 कब आता है, 2 दूना 4 दूना 8, तो एक भुजा की लंबाई होगी 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन लेंगे हम। देखो यहाँ पे हमें सरल समीकरण से सॉल्व करना है अंदर के भाग को, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो प्लस के लिए हम जोड़ेंगे, जब जोड़ करते हैं 0, 8, 2, यहाँ से इन दोनों का जोड़ जो होगा वो होगा 27, और जब घटाव करेंगे तो 13 में से 13 तो 0 जाएगा, 0.608 में से 392 को हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा 216, ठीक है। अब हम दशमलव हटाएंगे बटे में 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम देखें दोस्तों तो 27 का तो होता है 3 × 3 = 27, मतलब 3 गुणित 216, 6 का है 6 लिख दिया, ठीक है, और ये है 10 का, ठीक है। 6 तिया होता है 18 बटे में 10, यदि हम इससे भाग करें तो हमें मिलेगा 1.8। इस तरीके से हम कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक दोस्तों, इन क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, और इनके सॉल्यूशन के लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक सेंड कर दूंगा, आप उस लिंक को क्लिक करके इसके सॉल्यूशन देख सकते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू।